आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के फ्लेक्स और प्याज का पाउडर, जिसे साल भर के लिए स्टोर किया जा सकता है। आजकल मार्केट में प्याज काफी सस्ता है, तो यही टाइम है कि आप उसके फ्लेक्स और पाउडर बनाकर साल भर के लिए उसे स्टोर करके रख सकते हैं। यही अनियन फ्लेक्स और पाउडर आप डिश के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सूखी सब्जी है या ग्रेवी वाली सब्जी है तो आप उसमें फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, और अगर किसी फ्लेवर वाली सब्जी आपको बनानी है तो उसमें पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्याज को काटना शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो प्याज लिए हैं। सबसे पहले इसका छिलका निकालेंगे, ऐसे बीच में से काटेंगे इसको, और इसका छिलका निकाल लेंगे ऐसे। हमने प्याज को पहले से ही अच्छे से वॉश कर लिया था और अच्छे से सुखा लिया है इसको, ऐसे पीछे से भी निकाल देंगे। और जो ये बीच में जो व्हाइट हिस्सा है उसको ऐसे चाकू की नोक से ऐसे गोल घुमा के ऐसे, ये देखिए ये पूरा निकल आता है ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब इसके स्लाइसेस काट लेंगे, बीच में से इसे आधा करेंगे और इसके पतले पतले स्लाइस काटेंगे जो कि सूखने में आसानी होगी। ये प्याज का बीच वाला हिस्सा व्हाइट वाला निकालने से क्या फायदा होएगा, ये जो इसके सारे स्लाइसेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, उन्हें ऐसे हाथ से अलग कर लेंगे। ये देखिए अलग हो गए एकदम से, और हमने पतले पतले काटे हैं और उतनी जल्दी ही ये सूखेंगे। तो इसी तरह बाकी के प्याज भी काट के रख लेंगे। ये हमने 1 किलो प्याज लिए थे, उसके छिलके निकालने के बाद इसका वजन 820 ग्राम है। तो हमने इसके स्लाइस काट के उनके लच्छे ऐसे अलग कर लिए हैं, ये देखिए पतले पतले बना लिए हैं लच्छे उसके। अब इन्हें ट्रेज में फैला के रखेंगे और इन्हें खुला खुला फैलाना है ताकि ये जल्दी सूख जाएं। ये एक ट्रे हमने तैयार कर दी है, अब इसी तरह बाकी ट्रेज में भी फैला के रख देंगे। सारे प्याज के लच्छों को हमने ट्रेज में खुला खुला फैला दिया है, अब इन्हें हम धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। सारे प्याज को हमने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, अब इसके ऊपर एक जाली दे देंगे, उससे इसे ढक देंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप एक मलमल का दुपट्टा भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बीच बीच में हम 1-2 घंटे बाद प्याज को ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से अच्छे से सूख जाए, और इसे तब तक सुखाना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। ये हमारे अनियन स्लाइसेस देखिए पूरी तरह से सूख चुके हैं। हमने इन्हें 3 दिन लगातार धूप में रखा था, रात को हमने इन्हें पंखे के नीचे रख देते थे। तो ये देखिए पूरी तरह से ये सूखे हुए हैं, मतलब इसमें जरा भी मॉइस्चर नहीं है। सूखने के बाद इनका वजन 125 ग्राम रह गया है। हमने 1 किलो प्याज लिए थे। अब इनमें से थोड़े से अनियन स्लाइस हम अलग से निकाल लेंगे क्योंकि इनका हम पाउडर बनाएंगे, और बाकी के हम ऐसे ही स्लाइसेस सूखे रखेंगे और उन्हें ऐसे ही स्टोर करेंगे। अब इन सूखे हुए अनियन स्लाइसेस को ग्राइंडर जार में डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। ये हमारे अनियन फ्लेक्स तैयार हैं। इनको ग्रेवी वाली सब्जी या स्लाइस की तरह कैसे यूज करना है हम आपको बताते हैं। ये हमने आधे घंटे के लिए अनियन फ्लेक्स को पानी में भिगो के रखा था, ये देखिए कैसे फूल के फ्रेश अनियन की तरह हो गए हैं। अब इन्हें आप ग्रेवी में भी या सूखी जिसमें स्लाइस की जरूरत है यूज कर सकते हैं, और इसमें पानी उतना ही डालना है जितना आपको सब्जी के लिए चाहिए ताकि वही पानी उसमें यूज हो सके। और ये अनियन पाउडर है, ये देखिए आप इसको फ्लेवर की तरह यूज कर सकते हैं, इसे आप सूप में डाल सकते हैं, चिप्स बनाने में यूज कर सकते हैं, या सूखी सब्जी में भी यूज कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो घर में कभी प्याज नहीं हो तो आप इस पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। हमारा अनियन पाउडर और अनियन फ्लेक्स तैयार है। अब इन्हें हम एक एयर टाइट जार में भर के किसी ठंडी जगह और ड्राई प्लेस पे स्टोर कर लेंगे, और ये आपका साल भर टिकेंगी दोनों चीजें।
तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।